केंद्र सरकार ने संसदेत आणि राज्यसभेत समान नागरिकत्व या बिलाला पास केल्यानंतर याचा विरोध करणारा विशेष समाज प्रामुख्याने मुस्लिम समाज आधीपासूनच या बिलाचा विरोध करीत होता, तर आजही हे बिल पास झाल्यानंतर या बिलाच्या विरोधात तो रस्त्यावर उतरलेला आहे। अकोल्यामध्ये जिल्हा कचेरीसमोर ऑल इंडिया मुस्लिम समाजाच्या वतीनं धरणे आंदोलन व त्यानंतर सरकारच्या विरोधात प्रखर नारेबाजी करीत मुस्लिम बांधवांनी याचा विरोध केला आहे। ये विरोध इसलिए है कि शेरे भारत भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये संविधान वाला देश है। ये देश जो चलता है ये संविधान पे चलता है। आज जो नीलाक्षर मेरे आंग में है ये संविधान की निशानी है कि बाबा साहब अंबेडकर साहब ने इस देश के विकास के लिए संविधान बनाया, सभी धर्मों को एक सम्मान रखा गया है। आज आरएसएस की जो लॉबी है, जो आरएसएस के जो लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कूद हो और डबल से जो 77 में जो पॉलिशन हुआ है और जो पार्टीशन हुआ है, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट जो है, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, ये चाहते हैं कि डिवाइस हर होना चाहिए, इसलिए ये कानून को ले आया है। इसलिए हमारा ये विरोध है कि हम हिंदुस्तान में अमन और शांति चाहते हैं और हिंदुस्तान के अंदर हम लोग जो कुर्बानी 1,24,000 उलमाओं ने जो शहादत दी है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि इस देश में इस कानून को बदलने के करे जो ईसाई हो, दलित हो, भारतीय हो, इन सबको आप इसका नागरिकता देने की बात कर रहे हो और मुसलमानों को बोलने के लिए, मुसलमानों को नाम लेने के लिए तुम्हें शर्म आ रही है। या प्रसंगी मुस्लिम समुदायाच्या वतीनं या कायद्यांमध्ये मुस्लिमांना देशविरोधी ठरवण्यात येतो की काय अशी भीती त्यांच्या मनात आहे। आणि यातूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह तसेच भाजप सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत शेकडो मुस्लिम समुदायाने या बिलाच्या विरोधात एल्गार पुकारला आहे। इस देश के संविधान में सबको जीने का अधिकार दिया है। ये शेर भारत भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देश है और देश में अमन और शांति के लिए जो काम किया गया है, तो हम मरते दम तक पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इस हिंदुस्तान के विकास के लिए अपनी जान और माल कुर्बान करेगा और इस देश का इस जो कानून का पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इसका विरोध करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। हमारे माओ बहनों से मैं अपील करूंगा कि अपने नौजवान बच्चों को सभी को दूध बख्श दे और इस देश की आजादी जो अंग्रेजों से हम लोगों ने लड़ा है, आज ये फिरंगियों से, ये काले फिरंगियों से लड़ने के लिए इस आजादी में हम इस बिल का विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। दीपक गवई, विदर्भ न्यूज, अकोला।